नए जमाने का ट्रैक्टर आ गया है, बिल्कुल कार जैसी खूबियों वाला। डीजल का कोई खर्च नहीं, बैटरी वाला है, बिजली से चार्ज होगा। फुल चार्ज होने में 20 यूनिट बिजली लगेगी, यानी मोटा मोटी 100 रुपये खर्च होंगे। एक चार्ज में 6 घंटे काम करेगा, जबकि नॉर्मल ट्रैक्टर 6 घंटे काम करने में करीब 6 लीटर डीजल फूंक देगा। कुल जमा खर्च होगा 540 रुपये, यानी एक तिहाई कीमत में ये ट्रैक्टर वही काम कर देगा जो दूसरे करते हैं। विशाल सर हैं, मुझे ये जानना है आपसे कि चार्जिंग जैसे हम कार में देखते हैं पॉइंट होता है, चार्ज करते हैं, वो कहाँ है इसमें, कैसे करेंगे? इसमें दो चार्जिंग पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट आप देखेंगे तो फास्ट चार्जिंग के लिए ये आपको आधे समय में चार्ज करेगी, जो हमारा नॉर्मल चार्जिंग से है। ठीक है, जो नॉर्मल चार्जिंग है वो ट्रैक्टर के इस साइड रहेगी, इसको आप यहाँ से बटन खोल के निकाल सकते हैं। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, ये इसका दूसरा पोर्ट रहेगा चार्जिंग के लिए। तो ये दो पोजीशन है जहाँ से इसको चार्ज किया जाता है। ये बटन है पीटीओ चलाने के लिए, पीछे पीटीओ है। नॉर्मली बाकी ट्रैक्टर्स में क्या होता है कि लीवर लगता है, मैकेनिकल लीवर, जिससे पीछे पीटीओ ऑपरेट होती है। हमने बटन ऑपरेटेड पीटीओ दे रखी है। ये बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए, बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए बटन दे रखा है। ये पावर बूस्ट का बटन दे रखा है, अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो ये पावर बूस्ट मोड में चला सकते हैं। जैसे कि आप टाटा की गाड़ियों में देखा होगा अलग अलग फीचर आते हैं, नॉर्मल मोड, पावर बूस्ट मोड, तो ये एक पावर बूस्ट मोड दिया है। ऐसे ट्रैक्टर नॉर्मल चलेगा, पावर बूस्ट के साथ इसकी पावर बढ़ जाएगी। सो एक तरह से कार में जैसा अलग अलग मोड देते हैं, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, ये मोड दे दिया गया है। और ये सिग्नेचर लैंप का बटन दिया गया है, और ये आपके आरपीएम बढ़ाने, मोटर के आरपीएम बढ़ाने के लिए हैंड एक्सीलेटर, हम देखा होगा बाकी ट्रैक्टर्स में बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, तो ये एक हैंड एक्सीलेटर बटन वाला दिया गया है, जिससे कि किसान को सब चीज इलेक्ट्रॉनिक लगे। और कोई भी इसमें ऐसा लीवर नहीं है जो कि मैकेनिकल ऑपरेटेड है, लिंकेज की तरफ से सारे इलेक्ट्रॉनिक बटन है। सर ये कुछ चीजें इसमें थोड़ी स्पेशल लग रही है मुझे अलग देखने में, ये क्या होता है? ये कप होल्डर है, जब किसान भाई खेत में कोई काम कर रहा है तब इसमें पानी की बोतल और जॉयस्टिक लगती है, यहाँ पे जॉयस्टिक लगा सकता है जो लोडर के ऑपरेशन के लिए। उधर भी एक होल्डर दिया गया है जिसमें वो अपना बियर का मग या फिर पानी रख सकता है। तो ये नॉर्मली हॉबी फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है। तो जो किसान भाई हैं यूरोप और यूएसए में, वो जब अपने लॉन को साफ करते हैं, बियर रख के साथ में फिर अपना लॉन क्लीन करते हैं, तो वो ये उसकी प्रोविजन दे रखी है। ये 26 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, इसमें गन्ना ढो सकते हैं, रोड़ी बदरपुर ला सकते हैं, गलियों में मिट्टी ढोनी हो या मंडी में सब्जी ले जानी हो, सारे काम निपटा देगा। इस ट्रैक्टर का नाम है सोलिस। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने अभी इसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए लॉन्च किया है, भविष्य में भारत के किसानों को भी मिलेगा। जॉयस्टिक जो है थर्ड फंक्शन की जॉयस्टिक देते हैं लोडर ऑपरेशन के लिए, और इसके अंदर इसकी पोजीशन इस तरह से की गई है कि आराम से कस्टमर सीट पर बैठे बैठे यहाँ पर हाथ रख के और जॉयस्टिक को आराम से ऑपरेट करें, तो उसके हिसाब से आराम के तौर पे ये काफ़ी बेहतर डिज़ाइन ट्रैक्टर है। टायरों में हम बात करें तो जैसे विशाल जी ने बताया, ये टायर्स हमारे इंडस्ट्रियल टायर्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास खेती के लिए टायर और हमारे पास घास के मैदानों के लिए अलग टायर होते हैं, ताकि जिससे आपके गोल्फ कोर्सेज हैं, खुद के लॉन्स हैं, स्टेडियम के पिचेज हैं, तो घास खराब ना हो उसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन के टायर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम किसान भाइयों बताते हैं इसकी सबसे बड़ी खूबी, इसमें गियर नहीं पड़ता। जरा देख लें बिना गियर के ट्रैक्टर चलेगा कैसे। आपके घर की बहन बेटियां भी इस ट्रैक्टर को आसानी से चला सकती हैं। नॉर्मल ट्रैक्टर को हम देखते हैं उसमें गियर वगैरह इस तरह से होते हैं, इसमें कैसे आपने कुछ चीजें अलग करी हैं? इसमें सबसे पहले हमने हाइड्रोलिक गियर बॉक्स दिया है। हाइड्रोलिक गियर बॉक्स का कहता है कि इसके गियर हटा दिए गए हैं, और अगर आपको आगे करना है तो ये आगे वाला पैडल प्रेस करना पड़ेगा, और अगर पीछे करेंगे तो ये पीछे वाला पैडल प्रेस करना पड़ेगा। तो इसमें एक्सेलरेटर सिस्टम नहीं है, दो एक्सेलरेटर हैं आगे जाने के लिए, ये जो किसान को काम करने के लिए बहुत ही इजी है। मतलब आप देख सकते हैं एक स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सर ने जो बताई है हमें कि एक ट्रैक्टर है जिसमें एक एरो बना हुआ है जो आगे की तरफ दिख रहा है, मतलब उसको प्रेस करेंगे आप तो ट्रैक्टर आगे की तरफ चलेगा, और जैसे हम कार में बैक गियर डालते हैं, अगर ये बैक वाला एरो अगर इसको पैर से दबाते हैं आप तो ट्रैक्टर पीछे की तरफ चलेगा। तो ये कई मायनों में थोड़ा स्पेशल ट्रैक्टर हमको लग रहा है। इसमें कार की तरह क्रूज कंट्रोल है, एक स्पीड सेट कर दो और जितना मर्जी चलाते रहो। खूबसूरत डिजाइन है, ऐसा लगेगा जैसे कार से खेत जोत रहे हैं।
ये एक हाइड्रोस्टेटिक ट्रैक्टर है, तो सबसे बड़ी खासियत है कि इसको आप बिना गियर का ट्रैक्टर कह सकते हैं। बिना गियर का ट्रैक्टर मतलब आपको गियर शिफ्टिंग नहीं करनी ट्रैक्टर चलाते हुए, केवल पैडल से इसको चलाना है। इसके अंदर क्रूज कंट्रोल के फीचर्स हैं हमारे, हमने 4 प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी लाइट थ्रो। ये सर क्रूज कंट्रोल वाला मैंने ये कार में ही सुना है, ये भी सुना है, ये इसमें कैसे काम करेगा? इसमें क्रूज कंट्रोल आपका काम करता है, आप इस पैडल को प्रेस करते हैं। हाँ। तो पैडल प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको क्रूज कंट्रोल का बटन बोला जा रहा है यहाँ पे, उसको अगर प्रेस करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे ट्रैक्टर चलता है ये। तो किसान भाई इसको पैड हटा देता है तो एक स्पीड पे चलेगा, जिससे कि खेती करते टाइम अगर वो रोटावीटर चला रहा है तो इक्वली स्पीड पे चलेगा, और जिससे कि जो पल्वराइजेशन होती है सॉइल की वो इक्वली आ पाए, तो इसलिए इसमें क्रूज कंट्रोल का फीचर दे रखा है कि कॉन्स्टेंट स्पीड पे चले। उम्मीद है ये ट्रैक्टर जल्द ही आपको भारत में भी मिलेगा, इसे आप छोटी इलेक्ट्रिक कार का अवतार कह सकते हैं। इतना तो तय है कि जब भी भारत में ट्रैक्टर आएगा किसानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। लोकल 18 के लिए दुष्यंत कुमार की रिपोर्ट।